अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही नाजुक दौर कोविड का गुजर रहा है। तरह तरह की बातें इंसानों में आती है कि क्या ये बीमारी हमारे को लग सकती है, मौत मंडरा रहा है हर इंसान के ऊपर, तो अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। तो कुरान और हदीस की रोशनी में एक तीन चार बातें कहते हैं, हमारा भी ईमान ताज़ा होगा और सुनने वाले का भी ईमान इंशाल्लाह ताज़ा होगा कि अल्लाह सुभान व तआला के ऊपर तवक्कुल रखना बहुत ज़रूरी है इस नाजुक दौर पर। जब इंसान एक माँ के पेट में जन्म लेता है, उसकी बींद डाली जाती है, तब अल्लाह सुभान व तआला तय कर देते हैं कि ये कितने दिन रहेगा इस दुनिया में और कब इसकी वफात का दिन है। तो वो तो तय है। जब एक चीज़ अल्लाह सुभान व तआला ने तय कर चुकी है तो हमारा तवक्कुल उस पर बहुत ही ऊंचा रहना चाहिए कि जो तय है वो तय है। तो हम इससे खुश होना चाहिए कि आने का भी वक्त फिक्स है और जाने का भी वक्त फिक्स है। अब अपने आप को संभलने के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने बहुत ही अच्छा वजीफ़ा बताया है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। एक बहुत ही पावरफुल दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि मच्छी के पेट के अंदर से अल्लाह सुभान व तआला ने उनको नजात दी इस दुआ के जरिए। तो ऐसे जिक्र हमको करना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसकी तस्बीह पढ़ना चाहिए, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ना चाहिए। जब हम शुरू करेंगे तो शुरू में ज़रा मुश्किल लगेगा, बट इंसान जब इसको आदत बना लेगा तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम इस जिक्र और अस्कार से इंसान का दिल भी बहलेगा और एक तरह का सुकून मिलेगा और अल्लाह के तवक्कुल के ऊपर आपका जहन पहुँच सकता है। तीसरी बात है कि इंसान को इस वक्त पर हलते चलते बुज़ुर्गों का कहना है कि सदका देना चाहिए। अगर हम चार मेंबर फैमिली के हैं, पांच मेंबर फैमिली के, छह मेंबर फैमिली में, कुछ ना कुछ सदका देना चाहिए अपनी कमाई से, अपने माल से। अगर हम सदका दे नहीं सकते तो किसी की मदद कर देंगे, वो भी एक सदका है। किसी से मुस्कुरा लेंगे, किसी को हम हिम्मत दे देंगे, कोई बीमार है तो उसको हम आजमाई कर लेंगे। तो ये एक बात है। आखिरी बात जो कुरान है, कुरान में लिखा है कि हर तकलीफ़ के बाद आसानी है ही, वो अल्लाह सुभान व तआला का खुद का वादा है कुरान में। और या अय्युहल लज़ीन आमनु इस्तईनू वस्सबरी वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ने बता दिया है रास्ता कि नमाज पढ़ो और सब्र करो। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन छोटी मोटी नसीहतों से हम अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो हम भी फैज़ करेंगे और मुश्किल वक्त ज़रूर गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम अल्तफ़ा। वालेकुम सलाम आसिफ। अल्तफ़ा पंहिंजे हाल जो महामारी हली रही है, पंहिंजे जो बिजनेस जी हालत रहूं था, इनमें जो मतलबु लॻे थो कि कहिड़ी तव्हां गेम सर्वे थी नारो ज़िंदगी में हर फील्ड जे अंदरि प्लस ने माइनस अप डाउन हली अच करनि था। असांखे ॿी चीज़ जी ख़बर आहे कि वापार में जो बहुत तकलीफ़ हुई, हर जॻह ते प्रॉब्लम हली रहियूं आहिनि। गवर्नमेंट ऐं वापारी जी तकलीफ़ लाइ करीने गवर्नमेंट हर GST जो बि रिटर्न जी तारीख़ वधाए ॾिनी आहे, अहिड़ो इनकम टैक्स रिटर्न जी बि तारीख़ वधाए ॾिनी आहे। अने ई बिज़नेस जो आहे कि नुक़सान वियो आहे, जो स्लो डाउन थियो आहे, इनशाला जॾहिं बाज़ारूं खुलियूं, जॾहिं लॉकडाउन अनलॉकडाउन लॉकडाउन खुलंदो, इन जे पछी थोरो घणो कवर बि करे सघंदा आहियूं। न न हीअ त इनशाला अलाह जी जाती उमेदु आहे, पंहिंजे अलाह जो अलाह सारो करी वेंदो। वापारी बनियो जी लाइ करे की परेशानी जेले पुते, ऑलरेडी पोइ त परेशान हुई थो अचे, पर हाणे जो नवी नवी परेशानी जो अची रहियूं आहिनि, हाणे हिनखे पाण खे सर्वाइव करण लाइ करे तव्हांखे इंतिहान में तकलीफ़ अची रही आहे की माण्हू अॻियां वञे कहिड़ी ताईं हिनखे सर्वाइव थींदो। धारो हर फील्ड में आई वापार जी आई वापारी माण्हू आई वापारी फील्ड जी ॻाल्हि करो था, नौकिरी आहे त लॻभॻि घणे ॼणनि जी नौकिरियूं हली वियूं आहिनि। हर माण्हू पोते रीते तकलीफ़ में ऐं पोते जी रीते सोचे था, हर माण्हू पोते रीते सोचे थो। बाक़ी अलाह जे रसूल में त भरोसो रखी न हलंदो आहे की पंहिंजा सारा ॾींहुं अचनि जा। बेशक बेशक इनशाला बसि पंहिंजी अलाह मथे पंहिंजो भरोसो आहे, अलाई बदन जल्दी बीमारी खे जल्दी गारत करे, न पा बदन खे हिमत ॾिए, न पा जल्दी ई बदन चीज़ खे छॾे, न पा अॻियां वधूं, न पा इनशाला पा बदन वापारी आहियूं। अलाह जो कमु आहे त पंहिंजो उमेदु आई अलाह जी जाती की पा इनशाला और इनशाला सारो करी ईंदुसि। बसि पंहिंजी दुआ पहिले इहे की अलाह ताला पहिला बीमारी खे ख़तमु करी अचे।